इस वर्ष भी प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में गणतंत्र दिवस की धूम फीकी देखने को मिली, जहां इंदौर के जिला जेल और केंद्रीय जेल में कैदियों के चेहरे पर खुशी अलग ही झलक रही थी। खुशी क्यों ना हो, क्योंकि आज जिला जेल और केंद्रीय जेल से 24 छूटकर अपने घर जा रहे थे। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 24 कैदियों को रिहा किया गया, जिसके उपरांत पहले झंडा वंदन किया गया। हालांकि कोरोना काल ने इस साल भी गणतंत्र दिवस की खुशी को कम कर दिया। दरअसल राज्य शासन के आदेशानुसार हर साल कैदियों को रिहा किया जाता है, जहां गणतंत्र दिवस के मौके पर जिला जेल और केंद्रीय जेल से आज 24 कैदियों को रिहा किया गया। जो कैदी रिहा हुए उनके चेहरे पर खुशी अलग ही दिख रही थी, क्योंकि कई कैदी 20 साल से जेल में रहकर सजा काट रहे थे तो कोई कैदी उम्र कैद सजा काट रहा था। मगर अच्छे चाल चलन को देखते हुए इन कैदियों की सजा माफ़ कर दी गई। बहरहाल ये वो कैदी हैं जो हत्या और लूट जैसे संगीन अपराध में कई वर्षों से जेल में बंद थे। वहीं जेल से 16 साल बाद रिहा हुए कैदी गोलू ने बताया कि जमीनी विवाद में हत्या हो गई थी, जिसका पछतावा हत्या करने के बाद हुआ। वहीं गोलू का कहना है कि जेल से छूटने के बाद खेतीबाड़ी कर अपना जीवन बिताएंगे। वहीं पिछले कई सालों से सजा काट रहे कैदी धर्मेंद्र पारसी ने बताया कि मैं अपनी ही पत्नी की हत्या में सजा काट रहा था। जहां बाहर जाने की खुशी है तो वहीं गम भी बहुत है। वहीं जेल से रिहा हुए कैदियों ने अपराध से तौबा करते हुए कहा कि अपराध नहीं करना चाहिए। जो डबल आजीवन की सजा 302 के प्रकरण में है, जिन्होंने 20 वर्ष सजा पूर्ण कर ली है, लेकिन जो निर्धारित सजा है 14 वर्ष की वार्षिक सजा और रेमिशन माफी मिलाकर उन्होंने 20 वर्ष भुगत ली है। ऐसे बंदी को हमने रिहा किया है। सर अपने द्वारा कितना हाँ, सभी बंदी जिन्होंने जेल के अंदर कोई ना कोई काम किया ही है, कोई ना कोई प्रशिक्षण लिया ही है, तो ऐसे बंदियों को 72 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जो पारिसर में मिलता है उसका अनुमान लगा के उन्हें राशि प्रदान की गई है। कुछ बंदी ऐसे थे जो पैरोल महामारी पैरोल पर बाहर थे, वे आज ही जेल प्रविष्ट हुए हैं और ऐसे बंदियों को पारिश्रमिक का लाभ अभी नहीं मिल पाया है। उन्हें 2 दिन के बाद बुलाया गया है कि ताकि उनके हस्ताक्षर होकर बैंक से उनके जॉइंट खाता से पैसे उपलब्ध करा सकें। सर ये जो भी बंदी अगर क्या अभी प्रारंभिक स्तर पर जो न्यूनतम वेजेस है कलेक्टर रेट पे 266 रुपये पर डे के हिसाब से बंदियों को दी जाने का निर्णय लिया गया है, लेकिन यदि हमारा पेट्रोल पंप में अच्छा कार्य होता है, प्रगति होती है, तो फिर बंदियों का पारिश्रमिक जब मानदेय हमें जो उपलब्ध कराएंगे वो बढ़ा दिया जाएगा। जेल में जो कैदियों द्वारा काम किया गया उसके जो एवेज में उन्होंने जो धनराशि कमाई उसका 50% पैसा उसके विक्टिम को दिया जाता है। एक ज्वाइंट खाता होता है, पीजी अकाउंट में जमा किया जाता है और आधा पैसा उसके स्वयं के बंदी के खाते में जमा किया जाता है और बंदी का जो खाता होता है वो ज्वाइंट होता है। जेल अधीक्षक और बंदी के हस्ताक्षर से उसका खाते का निराकरण किया जाता है। सर अभी जो अमाउंट दिया गया है तो इन्हें क्या 50% दिया गया है या हाँ बंदी को जो अमाउंट जो पैसा पारिश्रमिक का दिया गया है वो उनके प्रतिकर का ही पैसा, उसका जो श्रम है पारिश्रमिक किया है उसका ही पैसा दिया गया है। ठीक है। और सभी बंदियों को कोरोना टेस्ट कराकर रिहा करने की कार्रवाई की गई है और सबसे बंदियों को पूरे में भी 2 दिन पहले समझाइश दे दी गई थी कि उनको अच्छा आचरण रखना है और जिन कैदियों के रोजगार की व्यवस्था नहीं है, जीव का साधन नहीं है, उन बंदियों को बताया गया था कि अभी वर्तमान में हमारा मध्य प्रदेश का पहला पेट्रोल पंप केंद्रीय जेल इंदौर में प्रारंभ होने वाला है, जिसका उद्घाटन शीघ्र ही होना है। तो पेट्रोल पंप में काम करने के लिए हमने ये नियम बनाए हैं कि जो आजीवन कारावास का बंदी है, जेल से रिहा हो चुका है और उसका आचरण अच्छा है, ऐसे बंदी को हम रोजगार पेट्रोल पंप पर दें ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। साथ ही पेट्रोल पंप में काम करने के लिए हमने जो हमारे प्रहरी संवर्ग के कर्मचारी हैं उनके बच्चे यदि काम करना चाहते हैं उनको भी प्राथमिकता आधार पर उसमें काम दिया जाएगा। तो अभी बंदियों को हमने इस प्रकार समझाइश दी है तो उसमें से लगभग 3 बंदी ऐसे हैं जो इच्छुक हैं, लेकिन एक बंदी ने पूर्ण सहमति दे दी है कि वो काम करने को तैयार है। अभी 2 व्यक्ति ऐसे हैं, बंदी ऐसे हैं जो असमंजस की स्थिति में हैं, लेकिन उन्हों का आवश्यकता होगी तो उन्हें हमने बुलाया है कि वो उन्हें हम रोजगार दे सकें। सर ये जो बंदी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सर, क्योंकि 15 साल बाद अब अपने परिवार में अपने घरों पे जाएंगे तो अच्छा ही लगेगा सर, बहुत ही अच्छा। क्या सोचा है दादा यहाँ से छूटने क्या करेंगे, क्या कार्य करेंगे? यहाँ से छूटने के बाद जेल अधीक्षक महोदय ने मुझे यहाँ के पेट्रोल पंप पे नौकरी दी है, मैं यहाँ नौकरी करूँगा। मैं लोगों को सर किस प्रकार की समझाइश देना चाहेंगे? समझाइश ये देना चाहूँगा कि गुस्सा 5 मिनट का होता है मगर उसका परिणाम बहुत खराब होता है। जैसे आज हम गुस्से के अंदर यहाँ आ गए और 15 साल जीवन के बेकार रहे, मतलब जीवन के 15 साल जो है बेकार ही हो गए, किसी काम के नहीं रहे, वो जो वापिस समय वापिस आने वाला नहीं है जो गुजर गया। अब आने वाला समय आप कैसा गुजारना चाहेंगे? बहुत शांति से और मेहनत करके गुजारना चाहेंगे।
आपका नाम? आपका नाम? मेरा नाम धर्मेंद्र पर्सी अलेक्जेंडर। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। आई प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।